पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, ANNE। अब ये पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनिहिलेशन है क्या? एक हैवी न्यूक्लियस है आपका, इस हैवी न्यूक्लियस में कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, ये मास को, ये एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर देता है। हैवी न्यूक्लियस है, क्या हुआ, एक गामा फोटोन आया यहां से। कौन? गामा फोटोन। गामा फोटोन आया और गामा फोटोन जिसकी एनर्जी सूटेबल है, सूटेबली हाई एनर्जी का गामा फोटोन यहां आया, ठीक है। एक गामा फोटोन इस पर इंसिडेंट हुआ, अ गामा फोटोन ऑफ सूटेबल हाई एनर्जी। हैवी न्यूक्लियस ने इस गामा फोटोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और इस गामा फोटोन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ये एक पेयर में, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बना देता है, एक पॉजिट्रॉन बना देता है, ठीक है। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन और ये क्या बना, पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन गया और कुछ एनर्जी अगर बची है इस फोटोन में से, तो वो एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इसमें से भी जो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और जो पॉजिट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लार्ज होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस के रिपल्शन से इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है और इलेक्ट्रॉन भी काइनेटिक एनर्जी कम रहती है। तो ये जो पेयर बन गया है, ये जो पेयर एक बन गया है, क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इसे हम बोलेंगे क्या, पेयर प्रोडक्शन। न्यूक्लियस का इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट के जैसा रोल होता है जो गामा फोटोन को, एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मास में, एनर्जी का मास में कन्वर्जन कन्वर्जन हो गया। तो हमने इसे रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ये गामा फोटोन बना आपका, गामा फोटोन है और इसको क्या चाहिए, हैवी न्यूक्लियस चाहिए इसे, और क्या बना लिया इसने, एक बना लिया बीटा पार्टिकल और एक इसका काउंटर पॉजिट्रॉन। ये आपके कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन यहां जरूरी है कि इस गामा फोटोन की एनर्जी सफिशेंटली लार्ज होनी चाहिए, कितनी लार्ज होनी चाहिए, ताकि उस एनर्जी का इन दोनों के मास में कन्वर्जन किया जा सके। सिंपल सी बात यह है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम कन्वर्ट कर दें एनर्जी में, तो इन दोनों एनर्जीज का सम से भी ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी, किसकी, गामा फोटोन की। अगर गामा फोटोन की एनर्जी का मास इक्विवेलेंस किसी एक पार्टिकल या इन दोनों पार्टिकल के मास से कम है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। गामा फोटोन की एनर्जी का मास इक्विवेलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के कंबाइंड मास से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका उल्टा बिल्कुल कहलाता है पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, पेयर एनिहिलेशन। ये पेयर एनिहिलेशन क्या है, सिंपल सी बात है, दो पार्टिकल है आपके पास, एक ये पार्टिकल है कौन सा, पॉजिट्रॉन, एक पार्टिकल है कौन, इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में कंबाइन कर गए, दोनों आपस में क्या कर गए,
कंबाइन कर गए, इन्हें किसी इन्हें कंबाइन करने के लिए किसी भी न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें कंबाइन करने के लिए न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों के चार्ज एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहां से एक गामा फोटोन निकल जाता है। एक गामा फोटोन नहीं निकलता, दो गामा फोटोन एमिट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेशन मेंटेन रखने के लिए, वो सॉरी कंजर्वेशन कह रहा हूं मैं, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। ये कहलाता है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन का मतलब हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसको, रिएक्शन लिखी जाएगी प्लस वन ई जीरो में ऐड हो गया कौन, माइनस वन ई जीरो, और क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ फोटोन बन गए किसके, गामा फोटोन्स के। ये पेयर एनिहिलेशन कहलाएगा। पेयर एनिहिलेशन मतलब एक दूसरे को खत्म कर दिया, दोनों ही पेयर में जो दोनों ही पार्टिकल ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। और यहां इस गामा इन दोनों गामा फोटोन्स की एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों के मास की एनर्जी इक्वेलेंस के इक्वल, दोनों का मास कंबाइन कीजिए, मास से आप एनर्जी फाइंड कीजिए, वही एनर्जी हो जाएगी इन दोनों गामा फोटोन्स की। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों गामा फोटोन बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, दोनों ही गामा फोटोन की इक्वल एनर्जी निकल करके आती है यहां से।